राम राम भाई सारे आने। तो आज की वीडियो में हम गाइस, मैं सुबह में जब बाजार में गया था ना, तो वहाँ पे 100 रुपए में गर्मी का सीजन मिल रहा था। सोचा कि खरीद लूं, फिर देखा कि मेरा जिब में हाथ डाल के तो पैसे ही नहीं लाया। अरे चले कोई नहीं, गेम खेलते। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आप लोग का आज की डेट में क्या दिखा रहा हूँ। हाँ गाइस, आप लोग को पता है कि यार हम लोगों का जो यार 18 फरवरी के लिए वेट कर रहे है, और यार जो हम लोग का कपल जैसा है ना, जो भाई यार कपल हो चुका है, मतलब जिसका अभी तो गर्लफ्रेंड है, वो तो यार 14 फरवरी के लिए वेट कर रहे है। लेकिन मैं तो यार महादेव का भक्त हूँ, इसके लिए मैं तो 18 फरवरी के लिए वेट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग किसके लिए वेट कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे कमेंट कर चुके हो ना, इसके लिए मुझे पता चल चुका है कि आप लोग किसके लिए वेट कर रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई का कमेंट है कि ब्लैक टी शर्ट रिटर्न कब आएगा, इसके लिए भाई पूरे कंफर्म अपडेट मैं कल की वीडियो पे दे दूंगा, कल की वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू। और एक भाई का यहाँ पे कमेंट था कि भाई मेरे पास इनक्यूबेटर का टोकन है, इनक्यूबेटर में क्या हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ नहीं, क्योंकि देखो इनक्यूबेटर तो पूरे अभी हट चुका है, इनक्यूबेटर सेक्शन अभी इंडियन सर्वर के लिए आप लोग को देखने के लिए मिल नहीं रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को कन्फर्म बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर भाई का कॉमेंट था कि भाई ईवो वर्ल्ड जो है ना, वो घटिया वाला इवेंट है, क्योंकि उसने मेरा वीडियो देख रहा था और वहाँ पर मैं बोला था कि ईवो वर्ल्ड इवेंट है ना एकदम घटिया इवेंट है, क्योंकि उसके अंदर से कितना डायमंड किसका जाएगा ना, ये कोई भी बंदा बता नहीं सकता है। उसके बाद में यहाँ पे भाई का कमेंट था कि भाई कोबरा बंडल रिटर्न कब आएगा, प्लीज कंफर्म डेट बता दो। हाँ गाइस, आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को कोबरा बंडल के लिए कंफर्मेशन कर दूंगा। कोबरा बंडल सिर्फ नहीं, कोबरा MP40 के लेके भी यहाँ पे मेरे पास अपडेट है, तो सब कुछ के अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से देख के जाना। हाँ, और ब्लैक टी शर्ट के बारे में मैं आप लोगों को कल की वीडियो पर जरूर से बताऊंगा, तो ब्लैक टी शर्ट के बारे में कल की वीडियो को जरूर से देखना। अरे आप नाराज मत होइए, मूड को थोड़ा हल्का कर दे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे सबसे पहले में हम लोग बात करें कि आप लोग का इवेंट कार्ड में, तो गाइस मैं सुबह में जब बाहर की सर्वर से आप लोग को इवेंट दिखाने के लिए लॉगिन किया था ना, तो मैं देखा कि बाहर की सर्वर पर मेरा एक हाइड आउट इवेंट आया है। क्यों गाइस, मुझे मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर की जो सर्वर है वहाँ से सिर्फ वीडियो क्लिप बनाता हूँ, इसके लिए ID को लॉगिन करके रखा हूँ। मुझे तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं है, मैं वहाँ पर टॉपअप वगैरह भी नहीं करता हूँ, मेम्बरशिप भी नहीं लेता हूँ। इसके लिए गेरिना ने क्या कर रहा है, अभी बाहर की जितना भी सर्वर है ना, सभी पे उन्होंने ऐसे लॉगिन करके देख रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक ही सर्वर से मेरा ऐसा हुआ है कि एक ही सर्वर पर सिर्फ मेरा हाइड आउट इवेंट आया है। और वो क्यों आया है बता देता हूं, क्योंकि मैं टॉप अप भी नहीं करता हूं, मेंबरशिप भी नहीं लेता हूं कभी भी, ठीक है। तो मैं तो कभी भी गेम के अंदर पैसे इतना खर्च नहीं किया हूं, मतलब उस ID पे, तो इसके लिए गिरना ने उस ID पे यहां पे हाइड आउट इवेंट डाल दिया है। तो गाइस अभी मैं इंडियन सर्वर के लिए आप लोगों को कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं करूंगा कि आप लोगों को बाहर के सर्वर मिला है तो इंडियन सर्वर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखो मैं सुबह में एक ही सर्वर को लॉगिन किया था और एक ही सर्वर पे सिर्फ देखने के लिए मिला है। जब मैं बाकी सर्वर को लॉगिन करूंगा, अगर वहां पे भी आता है, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसके बाद में यहां पे आप लोगों का और एक न्यू अपडेट आ चुका है, जिसको सुन के ना आप लोग यहां पे चौंक जाओगे। गाइस आप लोग यहां पे तो फिलहाल में बात करते करते देख ही रहे हो। हाँ गाइस, आप लोगों का ये जो इवेंट है ना रिटर्न में आ रहा है, गाइस आप लोगों को बहुत ही जल्दी रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी देखो मैं इसके बारे में आप लोगों को कंफर्म डेट तो बता नहीं सकता हूं, फिलहाल में मेरे पास जो लीक्स आए हैं मैं यही बता रहा हूं कि गाइस आप लोगों को यार फरवरी के मार्च इसके अंदर अंदर देखने के लिए मिलेगा इवेंट, ठीक है। अभी इवेंट का यहाँ पे आप लोग देखो, पहले इवेंट कुछ आप लोगों को इस टाइप का एक लकड़ोल के जैसा दिया हुआ जाएगा, जिसको आप लोग टोकन टावर इवेंट बोलते हो, इस टाइप का भी इवेंट आ सकता है या फिर कुछ लकड़ोल वाला इवेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो इवेंट कार्ड में आप लोगों को कुछ भी कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई बैनर वगैरह निकल के नहीं आया है, सिर्फ इवेंट ही निकल के आया है, इसके लिए मैं इवेंट दिखा रहा हूँ। जब इसका बैनर निकल के आएगा तो मैं आप लोग को जरूर से वीडियो के अंदर बता दूंगा तो लगेगा। इसके बाद मैं गाइस कुछ और इवेंट दिखा देता हूँ, जो आप लोग को अभी के टाइम पे वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता हूँ, बस जो यहाँ पे बैनर शो हो रहा है आप लोग यहाँ से ही देख लो। गाइस एक बड़ा इवेंट आने वाला है, जो होगा आप लोग का रमजान की 2024 की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कुछ आप लोग का इवेंट कार्ड में थोड़ा बहुत लिख के दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लेना। और यहाँ पे एक और इवेंट है दो, जिसका नाम है कि दी चोस करके कुछ ऐसा नाम है, तो ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस टाइप का कोई इवेंट आया था क्या नहीं पहले, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है। अगर आप लोग का पता है ना कि इस टाइप का कोई इवेंट गेम के अंदर कभी भी आया था, तो मुझे कमेंट करके आप लोग
लोग जरूर बताना। तो मुझे तो नहीं लगता है पहले बार कभी भी आया है, अगर आता है तो फिर ये बार तो नया ही लगेगा मुझे, क्योंकि गाइस मैं इतना टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, कभी भी ऐसा इवेंट का नाम मैं बताया नहीं हूँ, इसके लिए मैं खुद भी अभी के टाइम पर बता नहीं सकता हूँ कि इवेंट का नाम क्या है। बाकी तो इवेंट आने के बाद मैं आप लोगों को कन्फर्म जरूर से कर दूंगा। खैर तो गाइस छोड़ो, इसके बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आप लोगों को, मैं पहले का टाइम क्या हुआ था कि दिखा दिया था एक आप लोगों को चश्मा, जो आप लोगों को बहुत दिन पहले मैं दिखा था, मैं नहीं बहुत सारे यूट्यूबर ने भी आप लोगों को दिखा दिया था चश्मे को। तो मैं आप लोगों को बोला था कि टॉपअप इवेंट भारतीय सर पर एक चल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा था 300 रुपये के टॉपअप पर, ऐसा मैं आप लोगों को बोला था। लेकिन पहले वो क्या बोला था आप लोगों को कि फ्री में मिलेगा, तो भी बाद में देखा कि टॉपअप इवेंट पर गिरना डाल रहा है। तो अभी के टाइम पर आप लोगों को 1 तारीख को देखने के लिए मिलना था, लेकिन आज तो यार 3, 4, 5 तारीख हो चुका है, अभी तो आप लोगों को देखने के लिए मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं एक बात आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आप लोगों को अगर आता है इंडियन सफर तो शायद गिरना टॉपअप इवेंट पर भी डाल सकता है, या फिर आप लोगों को टॉपअप इवेंट अगर पेंडिंग कर देता है, मतलब टॉपअप इवेंट पर अगर नहीं आता है ना, तो आप लोगों को जरूर से जरूर फ्री में मिलेगा, ठीक है। अगर इस बार की जो टॉपअप इवेंट आएगा 8 तारीख को, उसमें अगर देखने के लिए मिलता है तो बढ़िया है, अगर उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है तो आप लोगों को फ्री में मिलेगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पे और एक इवेंट देख सकते हो, अभी के टाइम पे तो ये आप लोगों का टॉपअप इवेंट ही चल रहा है फिलहाल में। गाइस ये जो आप लोगों को टॉपअप इवेंट अभी देखने के लिए मिल रहा है, टॉपअप इवेंट खत्म होने के बाद ही आप लोग अगर यहाँ पे टोकन का जो रिंग दिया है उसके अंदर से निकल नहीं पा रहे हो, टॉपअप करके नहीं निकल पा रहे हो, आप लोगों के पास सिर्फ डायमंड पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मतलब 300, 350 जैसा ऐसा डायमंड पड़ा हुआ है, तो आप लोग आसानी से स्टोर से जाके इसको एक्सचेंज कर सकते हो। बाकी तो इंडियन सर्वर के लिए आप लोग को 500 रुपये टोकन मतलब डायमंड से एक्सचेंज करना पड़ेगा, टोकन से नहीं, सॉरी गाइस बोलने में थोड़ा गलती हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को 500 डायमंड में यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद में गाइस जो इवेंट है ना वो भी खतरनाक वाला इवेंट है, आप लोग यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था कि पर्पल शर्ट वाला बंडल रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए काफ़ी सारा भाइयों ने कॉमेंट भी यहाँ पे किए थे, तो मैं उस टाइम आप लोग को ये वाला बात बताया नहीं था कि आप लोग को 100% देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मैं आप लोग को कभी भी बोला नहीं था। तो देखो गाइस अभी के टाइम पर मैं इतना तक ये बता सकता हूँ कि पर्पल शर्ट बंडल को जो इवेंट है ना वो अभी तक मेरे हाथ में नहीं लगा है। 7 तारीख के अंदर अंदर अगर पर्पल शर्ट वाला बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कोई रिंग इवेंट पर, या फिर कोई फेडरल इवेंट पर, या फिर कोई ऐसा वेव इवेंट पर जहां पे आप लोगों को काफ़ी सारा डायमंड लगे, ऐसा भी कोई इवेंट आता है अगर 7 तारीख के अंदर, तो ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर 8 तारीख एक बार हो जाता है ना तो आप लोगों को अभी के टाइम पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसके लिए आप लोगों को फिर से और भी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास जो लिंक्स था मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता दिया, तो मेरे पास जो लिंक्स था मैं तो वही बताऊंगा ना, क्योंकि देखो मैं तो आप लोगों को झूठ वगैरह तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, झूठ बोल के मेरा क्या होगा, आप लोगों को ही तो मेरे मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, मेरे से आप लोगों का हेल्प होता है इसी के लिए ना। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो भी बात बता दिया यही पूरे 100% कन्फर्म है। गाइज देखो अभी तो मैं आप लोगों को कन्फर्म तो कर नहीं सकता हूँ कि आप लोगों को कन्फर्म देखने के लिए मिलेगा 7 तारीख के अंदर, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इसका कोई भी अभी तक ऑफिशियली बैनर निकल के नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे कन्फर्म नहीं करूँगा, और पहले भी मैं इसको आप लोगों को कन्फर्म नहीं किया था, बस आया था तो बता दिया था। इसके बाद में कोबरा एम्पियोटी की बात करें तो गाइस सामने से काफ़ी सारा भाइयों की कोबरा एम्पियोटी को लेकर बहुत सारा ऐसा अपडेट आ चुका है, बहुत सारा आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कोबरा एम्पियोटी कब आएगा, कौन सी ईवो वर्ल्ड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, इस बार की तो ईवो वर्ल्ड आ चुका है अभी इसके अंदर तो नहीं आया, तो क्या कोबरा एम्पियोटी नहीं आएगा अभी के टाइम पे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को जब फेब्रुआरी मंथ के जो ईवो वर्ल्ड आएगा उसके अंदर आप लोग को कोबरा एम्पियोटी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक आप लोग को अपडेट देता रहूँगा ना आप लोग को बहुत सारा अपडेट और भी अच्छा अच्छा मिलता रहेगा। और गाइस मेरे पास और भी काफ़ी सारा अपडेट है फेब्रुआरी मंथ की, तो मैं आप लोग को उस फेब्रुआरी मंथ के अपडेट है ना कल की वीडियो पर देने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आप लोग को ब्लैक टी शर्ट के बंडल के बारे में बता रहूँगा। और गाइस आप लोगों में से काफ़ी सारा भाइयों ने ऐसा भी कॉमेंट किया था कि कोबरा बंडल कब तक आएगा, तो कोबरा बंडल देखो मैं आप लोग को बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि आप लोग को फेब्रुआरी की एंड में या फिर मार्च की फर्स्ट वीक पे अंदर अंदर या फिर सेकेंड वीक के अंदर अंदर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गाइस देखो सभी बंडल रिटर्न आ चुका है, सिर्फ कोबरा बंडल रह गया है और आप लोग का स्कॉर्पियो बंडल, तो दोनों बंडल में से अभी थोड़ा बहुत आप लोग को एक गेरिना पोस्टर ला देगा कि उसमें आप लोग को वोट करना पड़ेगा दोनों बंडल को, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जिसको ज़्यादा वोट करोगे ना वही बंडल सबसे पहले में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप लोग को जितना तक मेरे पास अपडेट था, जो भी मेरे पास लिंक्स था, सब कुछ बता दिया। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कॉमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।